अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन अली और आज मैं लाया हूँ आपके लिए वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। इसमें आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, कोई भी वेबसाइट हो। जैसे ये एक वेबसाइट है goburak.com। ये वेबसाइट कैसे क्रिएट की गई है इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊँगा। तो आइए चलते हैं ट्यूटोरियल की जानिब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें, सबसे पहले आपने जाना है जनाब, किसी भी होस्टिंग वेबसाइट पे चले जाएं। वहाँ से आप होस्टिंग वेबसाइट ख़रीद सकते हैं। आजकल नॉर्मली .pk डोमेन का रेट चल रहा है 2200 रुपीज़, और .com जो है वो आपको मिल जाती है 1700 1850। हम रेट्स चेक कर लेते हैं। मैं इधर लिखता हूँ hostelpk.com। आप hostelpk से जाके लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे देखें, रेट चल रहा है $17.34 पर ईयर का होस्टिंग पैकेज प्लान वन इनका, जिसमें 1000 डिस्क स्पेस दी जा रही है, 20 GB बैंडविथ है, फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन है, यानी कि domain.com की अगर आप लेते हैं इसके साथ तो वो आपको फ्री मिलेगी। टोटल आपने 2400 रुपीज़ पे करना है, और .com के साथ आप वेबसाइट एक साल के लिए चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेवलपिंग पर्पसेस के लिए अगर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने एक ये बनाई हुई है sntechnical.pk.tk, तो इस तरह की एक वेबसाइट आप भी बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको 1 रुपीस भी नहीं देना पड़ता। ये होस्टिंग भी फ्री होती है, उसके अलावा वेबसाइट भी फ्री है। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि ये वेबसाइट .com में मैंने कैसे बनाई है और ये किस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको और भी ट्यूटोरियल्स दूंगा, जिसमें आप अपना एक शॉपिंग स्टोर, एक स्टनिंग किस्म का शॉपिंग स्टोर बना सकते हैं, और फेसबुक के ऊपर ऐड चलाकर अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले आपने किसी भी वेबसाइट से जाके डोमेन परचेज कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं सी पैनल पे। सी पैनल लॉगिन आपको होस्टर प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा, जो जिससे आप अपनी होस्टिंग लेंगे। उसके बाद आप वर्डप्रेस पे जाएं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करें। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इस डेटाबेस को मैं रिमूव कर देता हूँ। ये इंस्टॉलेशन रिमूव हो गई। अब आप देखें, अब अगर हम इस पे आएँ तो यहाँ पे नथिंग फाउंड आ गया है और ये एरर दे दिया इसने। गो वेबसाइट इट मीन्स कि द वेबसाइट डोंट हैव एनी थिंग इट मीन्स। तो चलें, कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं। डायरेक्टरी को आपने एम्प्टी कर देना है। साइट नेम की जगह आप लिख लें वर्डप्रेस ट्यूटोरियल कर लें इसको। डिस्क्रिप्शन में भी फ्री नॉलेज, इसको आप लॉगिन अटेम्प्ट्स को चेक कर दें, ताकि कोई आप ब्रूट फोर्स के थ्रू आपकी साइट पे इजी यूजर नेम पासवर्ड पर लॉगिन ना हो सके। यूजर नेम आप कोई ऐसा रखें जो और किसी ने ना रखा हो।
चलिए हम डेमो पर्पस है तो इसके लिए यही रहने देते हैं, नो वरीज। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। आप अपनी वेबसाइट इस तरह भी बना सकते हैं, आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये एक वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट भी हमारी बन सकती है। देखें कैटेगरीज हैं इसमें, नेव बार है और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। डोंट वरी, वी विल आल्सो गो टुवर्ड्स दिस लेवल। अच्छा जी, हम देखते हैं, हमने इंस्टॉलेशन की थी, ये आ गया था हमारे पास। ठीक है, वर्डप्रेस हैज सक्सेसफुली इंस्टॉल। तो इसको देखते हैं क्या शक्ल बनी है। देखें वर्डप्रेस ट्यूटोरियल यहाँ पे लिखा आ गया, फ्री नॉलेज आ गया, ये वेबसाइट टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये फर्स्ट पोस्ट ऑटो जनरेट होती है वर्डप्रेस के अंदर। अब वर्डप्रेस का स्ट्रक्चर, एडमिन पैनल, यहाँ से हम एक्सेस करेंगे इस लिंक से। बेसिकली ये wp-admin होता है। आइए कस्टमाइज करते हैं, पेजेस देखते हैं। हमारे पास होम हेलो वर्ल्ड आ रहा है, सैंपल पेज, इसको एडिट करते हैं। ये हमारे पास सैंपल पेज है, पोस्ट भी कर सकते हैं। बेसिकली ये ब्लॉग बनता है हमारे पास सबसे पहले वर्डप्रेस के अंदर। अब ये इधर से हम ऑल पोस्ट पे जाके अगर इस पोस्ट को डिलीट कर दें तो क्या होगा, आइए देखते हैं। ट्रैश में इसको मैंने फेंक दिया। और अब ये जो वेबसाइट पे हेलो वर्ल्ड था वो देखें, नथिंग फाउंड लिखा आ गया। अब इसकी जगह हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो ये हमारी एक वेबसाइट क्रिएट हो गई है। मज़ीद अब देखेंगे इसमें एडिटिंग कैसे करनी है और क्या क्या करना है, उसके लिए देखते रहिए मेरा चैनल एस एन अली। थैंक यू सो मच।